और अगर आप शुरू से अगर कुछ मूवी मतलब आप प्रेडिक्ट कर रहे हो ना कि ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है, तो गाइस मूवी फुल अनप्रेडिक्टेबल है। हाँ मैं वही बोलना था, अनप्रेडिक्टेबल है। आप बिल्कुल भी कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अब ये होने वाला है, और जो लास्ट का जो ट्विस्ट है ना गाइस, वो आपका दिमाग घुमा देगा पूरा। तो सो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे हैं, हम सभी बहुत अच्छे हैं। तो आ चुका हूँ वापस एक नए व्लॉग के साथ। तो अभी थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, अभी जाना है कॉलेज क्योंकि एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं CA4। तो एक बार कॉलेज जाते हैं, वहाँ पे मिलते हैं, एक बार अच्छे से घर में आते हैं, तब तक शिवम भी आ जाएगा, वो लखनऊ से मेरी बड़ी बुआ और शिवम भी आ रहे हैं। तो आते हैं, उसके बाद हमारा एक प्लान है छोटा सा मूवी देखने का, भूल भुलैया 2 रिलीज हो चुकी है कार्तिक आर्यन की। तो पहले जाते हैं कॉलेज, वहाँ पे एग्जाम खत्म करते हैं, वहाँ शूट करने लायक रहा तो शूट करूंगा। वो ऑलमोस्ट 10 दिन के बाद आज कॉलेज जा रहा हूँ, तो देखते कैसा रहता है क्या रहता है। फिर उसके बाद घर में आके मिलवाऊंगा शिवम से, बड़ी बुआ से। तो अब मिलते हैं कॉलेज में, वापस आ चुके हैं। फिलहाल आ चुके हैं कॉलेज, और अभी हमारा रूम नंबर हमें पता नहीं है, और ये कुंवर फर्स्ट टाइम, और ये इमेज दोनों पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल आदमी बड़े लोग। सो अभी पता करते रूम, भाई मेरा रूम नंबर बता दे कौन सा एक बार। मेरा 420 बोल रहा है, ये भी अलग ही है। मेरा 202 और इन दोनों का है 201। तो जाते हैं क्लास में, एग्जाम दे देगा इस, बहुत टफ लग रहा है अब। सही है, तो जाते हैं क्लास में, एग्जाम देते हैं और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। सो गाइस, फिलहाल यहाँ पे हमारा एग्जाम हो चुका है, और ये दूल्हे राजा, इसकी शादी होने वाली है 2 दिन बाद। और ये रही स्नेहा, और कॉन्ग्रेचुलेशन 1 मिलियन पे, एक वीडियो पे गाइस 1 मिलियन स्नेहा के। सो बहुत बेकार एग्जाम गया, बहुत बेकार, मतलब हद से ज़्यादा। सो गाइस, फिलहाल वापस आ चुका हूँ कॉलेज से, और एग्जाम तो कुछ ज्यादा खास गया नहीं, और यहाँ पे आ चुका है शिवम अपने आईपैड में गेम खेल रहा है। एक बार हाई तो बोलते एक बार, तो इसे तो रहने देते हैं। सो हम अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। सो अभी ऑलमोस्ट अभी बज रहे हैं 2:20, और हमें निकलना है 3 बजे मूवी देखने के लिए। सो जैसा होता है देखते, पहले चेंज करते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद मूवी देखने जाते हैं। सो गाइस, और शिवम फिलहाल निकल चुके हैं कार्निवल जाने के लिए। हम जा रहे हैं कार्निवल क्योंकि फिलहाल अभी शो हमारा कार्निवल में, बायोस्कोप में थोड़ा सा लेट था, कार्निवल बिग बाजार, तो थोड़ी सी रश है, लेकिन हम सेफ जाएंगे, स्लो जाएंगे, तो थोड़ी देर में मूवी मिस भी होगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जाना हमें सेफ है। तो अब सीधे मूवी थिएटर के पास मिलते हैं। तो गाइस, ये रही हमारी टिकट, बहुत रश में हमने अपना टिकट लिया, और शिवम पीछे पीछे दौड़ दौड़ के आ रहा है। सो एक बार हमारा स्क्रीन है 1, तो जाते हैं, और एक्साइटेड। वो रहा स्क्रीन 1। तो फाइनली हम आ चुके हैं। कष्टों को हरने वाली, अरे छोटे मालिक, पुरानी हवेली को दरवाजे खुल गए हो। ठीक है मंजुलिका, अरे बहन है हमारी, झूठ की तरह मंजुलिका की कहानी भी झूठी है। सो गाइस, अभी हुआ इंटरवल। छोटी, अभी तक एक्सपीरियंस कैसा था? गाइस बहुत मस्त मूवी है, ज़रूर आएँ और देखें। इंटरवल के पहले इतना मज़ा आया, इंटरवल के बाद अब पूरा सस्पेंस मतलब क्रिएट मतलब बनाया हुआ है। अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कियारा आडवाणी, मतलब कुछ मेरे फ्रेंड से बोला कियारा आडवाणी डेड है शुरू से ही, अब पता नहीं वो सच है या नहीं, वो तो मूवी देखने के बाद पता चलेगी। अभी तक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मूवी देखते हैं, फिनिश करते हैं, उसके बाद आपको फुल रिव्यू दूंगा। सो गाइस, मूवी यहाँ हो चुकी है खत्म, और गाइस एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा सही था। तो घर जाके फुल रिव्यू देते हैं, बहुत मज़ा आया, मतलब एंडलेस ट्विस्ट है इसमें, जबान ट्विस्ट कर रही है मेरी, ट्विस्ट बोलने। तो मूवी देखने के बाद हम आ गए पिज़्ज़ा खाने,
और हमने हाफ हाफ ले लिया, हमारा हाफ पिज़्ज़ा है, मतलब दो पिज़्ज़ा मंगाए थे, एक मार्गरीटा और एक अनियन, तो खाते हैं तो उसके बाद घर जाके मिलते हैं। और इसने तो स्प्रिंकल करना स्टार्ट भी कर दिया। सो यार गाइस, वापस आ चुका हूँ घर, हमारा पिज़्ज़ा खाना हो गया, मूवी देखना हो गया, और थैंक यू शिवम रिंग लाइट होल्ड करने के लिए। सो अब मैं देता हूँ आपको ऑनेस्ट रिव्यू, मतलब इंडियन घोस्ट सीरीज में ये एक रेवोल्यूशन लाया है। भूल भुलैया टू ने एक इंडियन घोस्ट सीरीज में बहुत अच्छा रेवोल्यूशन लाया है। मतलब फनी भी था, एट द सेम टाइम गूज़बम्स वाले मोमेंट्स भी आ गए थे, कभी मतलब कभी ऐसे सीयर जा रहा था, कभी छोटी को पकड़ ले रहा था, बगल में शिवम बैठा था, तो अच्छा था। ओवरऑल मूवी बहुत अच्छा था, कार्तिक आर्यन ने बहुत सुपर काम किया, और कियारा आडवाणी का तो क्या ही बोले। और कुछ लोग तो बोल रहे थे, जब उनका थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला सीन था, कुछ लोग बोल रहे थे कबीर मारेगा, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे थे यार, मजा आ रहा था। ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी है, आप जरूर अपने सिनेमाज में जाएं, नियरेस्ट सिनेमाज में, बहुत अच्छा आपको मजा आने वाला है। सो हाँ गाइस, बात करें अगर कास्टिंग की, तो बहुत लोग मतलब जो जिनका काम होता है स्पॉइलर मूवी देखने के बाद, वो मुझे बता रहे थे, बट मैं सुना नहीं, कुछ कुछ जो सुनने में आता था कि अक्षय कुमार जैसा नहीं किया कार्तिक आर्यन ने काम, तो गाइस मैं आपको बता दूं, जो भूल भुलैया 1 और 2 को आप बिल्कुल भी सिमिलर नहीं बोल सकते, टोटली डिफरेंट थी। क्योंकि दोनों मतलब 1 में जिस तरह वो भी कॉमेडी थी और इसका मिक्सचर था, और ये भी कॉमेडी और इसका मिक्सचर, लेकिन इसमें थोड़ा सा मतलब कॉमेडी, मतलब अब क्या मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप देखोगे ना तो खुद ही समझ जाओगे। तो हाँ गाइज, बहुत मस्त मूवी थी। और हाँ गाइज, अगर आप शुरू से अगर कुछ मूवी मतलब आप प्रेडिक्ट कर रहे हो ना कि ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है, तो गाइज मूवी फुल अनप्रेडिक्टेबल है। हाँ मैं वही बोलना था, अनप्रेडिक्टेबल है, आप बिल्कुल भी कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अब ये होने वाला है। और जो लास्ट का जो ट्विस्ट है गाइज, वो आपका दिमाग घुमा देगा पूरा। तो मूवी ज़रूर देखें, नियरेस्ट सिनेमाज में अभी भी लगी हुई है, अभी की तो लॉन्च ही हुई है तो लगी होगी, बहुत फुल वर्थ इट है, पैसा वसूल है, आप जाएं। तो चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग करता हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपका आज का ब्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो हमारे ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपको बोलता नहीं सब्सक्राइब करने के लिए, बट मैं बोल रहा हूँ, देखिए ऐसा कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, ओपन करवा रहा हूँ मैं अपना, ये पिंक है, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा यहाँ पे, आप उसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आते रहेंगे, शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली और रिलेटिव्स के साथ। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में, टिल देन गुड बाय।